तो बच्चों आज के लेक्चर में हम कक्षा 11 का क्वेश्चन नंबर 11 11 या 10 जो भी है अभी देखते हैं पहले कहाँ तक हो गया था। 11 11 में, चल 11 में। चैप्टर नंबर 9 है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन नंबर कौन सा ही 11 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। अब इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चैप्टर कहाँ है ये, चलो आगे। एक्सरसाइज है 9.2, ठीक है। क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे तुम्हारी बुक में मिस प्रिंट है, इसलिए आंसर कल आ नहीं रहा। देखिए यहाँ पे ए बना रखा है, क्यू है यहाँ पे, यहाँ क्यू होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ए बना रखा है, इसको क्यू कर ले भी सिंगला पेन दे। वही तो सोच रहा आंसर आ क्यों नहीं रहा कल, देखा लागल तू क्या ये है ना, इसमें ए था बना हुआ यहाँ पे। अपनी बुक में चेक कर लो सभी। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस बी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन में दिया है, क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन वैल्यू क्या दिया है, प्रथम पी पदों का योगफल यानी एस पी सम ऑफ पी टर्म्स, इसकी वैल्यू कितनी दी है ए, और प्रथम क्यू पदों का एस क्यू इसकी वैल्यू कितनी दी है बी, और प्रथम आर पदों का योगफल एस आर इसकी वैल्यू कितनी दी है सी। तो हमें प्रूव करना है, ये हमें दे रखा है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव डेट सिद्ध करना है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू है, ठीक है। ए नहीं था, ये था क्यू, यहाँ पर यहाँ क्यू होना चाहिए, ध्यान दें इस बात का, इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है। पकड़ लो इसको, सिद्ध करना है, ठीक है। इतनी वैल्यू में गिवन है, पी पदों का योगफल दे रखा है ए, क्यू पदों का दे रखा है बी, आर पदों का योगफल सी दे रखा है, और हमें सिद्ध ये करके लाना है पूरा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी पूरी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देख लीजिएगा ध्यान से। सिंस हमें गिवन है एस पी, लिख लो सिंस एस पी इज इक्वल टू ए, और एस पी का मतलब क्या होता है, देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस एन का, एन पदों का था ये, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी था, लेकिन अब यहाँ पी आएगा नीचे, एस पी निकालना है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ पी रख दो खाली, बाकी फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो सीधा देख लो यहाँ पे पी पी अपॉन टू, एक मिनट देखो, पी अपॉन टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू ए, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना आप यहाँ पर कि हमें प्रूव में क्या करना है, ए अपॉन पी के, देखो ए अपॉन पी, ए के नीचे पी जा रहा है इधर, तो हम क्या करेंगे, इस पी का इंटू होगा यहाँ पहुँच जाएगा नीचे डिवाइड में, इंटू का नंबर डिवाइड में जाएगा नीचे, देयर फॉर वन अपॉन टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू, ये इंटू का पी डिवाइड में आएगा ए के नीचे, ए अपॉन पी, ऐसे ए अपॉन पी, ठीक है। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और सिमिलरली हमें क्या गिवन है, इसी प्रकार हमें गिवन है एस क्यू, एस क्यू क्या है बी, तो फॉर्मूला वही है क्यू अपॉन टू एन बाई टू का मतलब क्यू अपॉन टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू में डी और इसकी वैल्यू बी। ठीक है, जगह नहीं है, कहाँ पे करूँ, यहाँ कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए ध्यान से, इस q को देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए b के अपॉन में q चाहिए, तो अब इस इन टू के q को डिवाइड में देंगे यानी नीचे b के, है ना, क्योंकि हमें सिद्ध में क्या मतलब हमें प्रूव में क्या लाना है, b अपॉन q लाना कहीं पर, तो ये q जाएगा इन टू को डिवाइड में नीचे, बाकी सेम, तो यहाँ बच जाएगा वन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस क्यू माइनस वन इन टू में डी और इधर था b और q जाएगा b के अपॉन में, तो b अपॉन q बन जाएगा ऐसे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले तुम यहाँ तक लिख लो जरा, है ना, सही से लिख लो पहले यहाँ तक, जगह नहीं है ना, उसके बाद में सारा ये सिद्ध करने का प्रोसेस हटा दूँगा। तो सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको बिल्कुल ढंग से कर लो नोट। देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड तो बन चुकी है, अब यहाँ पे थर्ड बना देता हूँ पहले, उसके बाद हटा दूंगा। देखिए ध्यान से, चूंकि हमें गिवन क्या, हमें गिवन है एस आर बराबर सी और आर पदों का योगफल का फॉर्मूला आर बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इन टू में डी इक्वल टू क्या चल रहा है सी। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन में हमें देखो प्रूव क्या करना है, सी अपॉन आर लाना है कहीं पर, तो इस आर को हम इनटू में भेज देंगे, इनटू का नंबर डिवाइड में भेज देंगे नीचे, तो वन अपॉन टू बच जाएगा इधर, इधर टू ए प्लस आर माइनस वन इनटू में डी और सी अपॉन में आर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब मान लो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड समीकरण तीन, ठीक है, अब बाकी देखिए मुझे चाहिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बाकी को मैं हटा रहा हूँ। ये फर्स्ट चाहिए, ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए और ये थर्ड चाहिए, इसे मैं छोड़ दूंगा, बाकी ये प्रूफ का चाहिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना, देखिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में पहले देखिए ए अपॉन पी क्या है, यहाँ ए अपॉन पी में क्यू माइनस आर से गुणा हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इक्वेशन फर्स्ट में हमें इंटू करना है क्यू माइनस आर से, किससे करना है q माइनस आर से करना है, ठीक है, फर्स्ट में। फिर देखिए सेकंड का है b अपॉन q में इनटू हो रहा किसका, r माइनस पी का, इसका मतलब हमें इक्वेशन सेकंड में r माइनस पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, और c अपॉन r में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है p माइनस क्यू का, तो मतलब यहाँ पे c अपॉन r में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, p माइनस क्यू का, ठीक है, ऐसे। अब देखिए ध्यान से मैं इसको हटा देता हूँ पहले, ये इक्वेशन तो मुझे चाहिए आर माइनस पी, है ना। अब देखिए बच्चों आपको क्या लिखना है, समीकरण एक दो तीन में आर माइनस पी फिर क्यू माइनस आर फिर पी माइनस क्यू से गुणा करने पर, ठीक है, तो समीकरण मेरी कहाँ बनी थी, एक एक समीकरण मेरी ये वाली है ना, एक ये है फिर दो वो है फिर तीन वो है, बस लिख लो यहाँ पे समीकरण एक में q माइनस आर और कॉमा समीकरण दो में, समीकरण दो में दो कहाँ पर है वो r माइनस पी तथा समीकरण तीन में p माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ने पर, अब जोड़ना क्यों है, क्योंकि
प्रो में इनके बीच में क्या क्या था, प्लस का निशान सबके, है ना, प्लस था सबके बीच में, तो हम इसको जोड़ देंगे फिर p माइनस क्यू से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, सिद्ध करने में देख लो सबके बीच में क्या होगा, प्लस का निशान होगा, इसलिए जोड़ देंगे। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें मल्टीप्लाई करना किससे, क्यू माइनस आर से, तो वन अपॉन टू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी, फिर इसमें मल्टीप्लाई करो किसका, क्यू माइनस आर का, ये ठीक है, इक्वल टू इधर ए अपॉन पी में मल्टीप्लाई किसका करना है, क्यू माइनस आर का, जाओ इसको बाद में लिख दो, पहले पहले तो इनको जोड़ दो, लेफ्ट वालों को जोड़ दो पहले खाली, ये हो गया। अब इक्वेशन सेकंड कहाँ पे, ये रही वन अपॉन टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इसमें मल्टीप्लाई आर माइनस पी, फिर प्लस करके ये है लेफ्ट साइड इसकी, तो वन अपॉन टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू में डी, और इसमें मल्टीप्लाई करना है पी माइनस क्यू से, ठीक है, चलो। अब राइट हैंड साइड क्या थी इनकी, इनकी राइट हैंड साइड लिखनी पड़ेगी मुझे, कि मैंने दब कर दिया गलती से, जरा बुक दो, एक मिनट, राइट हैंड साइड क्या बच रही है वो लिखनी पड़ेगी। देखिए अब राइट हैंड साइड में आपको क्या बचा है, इसको इसके बाद लिखो इक्वल के बाद, कि ए अपॉन पी, समीकरण एक की राइट हैंड साइड थी ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, और फिर समीकरण दो की थी राइट हैंड साइड बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दिया राइट को राइट से, और सी अपॉन आर पी माइनस क्यू ये थी, ठीक है, पकड़ लो इसको। अब देखिए बच्चों बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन सारे नंबर में देखो पहले वन अपॉइंट टू यहाँ भी आ रहा है इसमें पूरे में, और वन अपॉइंट टू यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से वन अपॉइंट टू कॉमन लूँगा पहले, ठीक है, तो वन अपॉइंट टू सबका बाहर कॉमन आ गया, अब अंदर क्या बचेगा देखिए, अब इसकी कर लो अंदर मल्टीप्लाई सीधा क्यू की, ठीक है, तो टू ए क्यू क्यू की पहले इसमें टू ए क्यू प्लस क्यू की यहाँ पे क्यू पी माइनस में वन इंटू में डी, फिर माइनस आर की करो इन दोनों से, तो माइनस टू ए आर, थोड़ी जगह है नीचे, ठीक है, माइनस टू ए आर माइनस प्लस माइनस आर की मल्टीप्लाई यहाँ करो तो आर इंटू में पी माइनस में वन इंटू में डी, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, चलो। अब प्लस ये तो वन अपॉइंट टू बाहर लिया कॉमन, आर का मल्टीप्लाई यहाँ करो प्लस टू ए आर, ठीक है, प्लस 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 ही होगा, और प्लस टू ए आर हो गया, प्लस का आर आर हो गया क्यू माइनस वन इंटू में डी, फिर माइनस पी का मल्टीप्लाई इसके अंदर माइनस टू ए पी माइनस टू ए पी माइनस प्लस माइनस, फिर पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू में डी, इसके बाद पी का भी हो गया ना मल्टीप्लाई, पहले हमने यहाँ से R का करा था, हो गया R का ये पूरा, अब P का हो गया, ठीक है, अब ये वाला रह गया, तो वन अपॉइंट टू बाहर हो गया कॉमन, अब P का मल्टीप्लाई करो अंदर, मैं इसको थोड़ा यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से देखिए P का मल्टीप्लाई करो अंदर 2AP, फिर प्लस पी आर माइनस वन इंटू में डी, फिर q का माइनस टू ए क्यू,
फिर माइनस प्लस माइनस क्यू इंटू क्यू का मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट में, तो क्यू इंटू आर माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। और जो राइट साइड है वो लिख दो पहले, ए अपॉन बी क्यू माइनस में आर प्लस बी अपॉन में क्यू आर माइनस में पी सी अपॉन आर पी माइनस में क्यू। अब देख लो जो आपस में कट रहे हैं सेम सेम वाले है कुछ ऐसे, देखो टू ए क्यू प्लस का है, टू ए क्यू माइनस का है, इससे ये कैंसिल, ठीक है। फिर माइनस टू ए आर देखो प्लस टू ए आर, इससे ये कैंसिल, टू ए पी प्लस का ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। और देखो कुछ हो नहीं है कुछ भी, है ना। अब जो नहीं है, अब जो मतलब बच गया वो लिख लो। अब वन अपॉइंट टू चल रहा है इधर, इधर बच गया क्यू, और एक काम में और कर रहा, देखो यहाँ भी डी मिलेगा मुझे, और यहाँ भी डी मिलेगा, यहाँ भी डी मिलेगा, यहाँ भी डी मिलेगा, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी, तो डी ले रहा हूँ मैं सीधे कॉमन बाहर उधर, ठीक है। और सीधे कर रहा हूँ इनटू अंदर, देखिए आप करो क्यू का इनटू अंदर, तो क्यू पी क्यू है ना, पी क्यू फिर क्यू माइनस का क्यू, और डी तो बाहर कॉमन हो गया, अब यहाँ बच गया माइनस का आर, फिर आर पी पी आर माइनस का पी आर, फिर माइनस माइनस प्लस आर डी कॉमन, फिर आर का मल्टीप्लाई प्लस का आर माइनस का आर प्लस का क्यू क्यू आर प्लस का क्यू आर था यार, ये मैंने क्या लिख दिया, ये यहाँ आर नहीं आना चाहिए था ना, ये तो पी आर हो गया यहाँ पे, फिर माइनस का आर प्लस का आर, ठीक है, फिर आर प्लस का क्यू आर, फिर माइनस माइनस का आर, फिर माइनस का पी पी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस का पी है ना, और डी कॉमन है, फिर ये बच गया प्लस का पी आर माइनस का पी, उसके बाद माइनस का क्यू आर और माइनस माइनस प्लस का क्यू, ठीक है। और डी बाहर कॉमन है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है ये वाला, ए अपॉन पी क्यू माइनस में आर बी अपॉन में क्यू आर माइनस में पी और सी अपॉन आर पी माइनस में क्यू, ठीक है। अब ध्यान दो जो आपस में कट रहे देख लो पहले सेम सेम है कुछ, पी क्यू पी आर है पी क्यू माइनस का पी क्यू प्लस का कट गया, पी आर कट रहा हूँ माइनस क्यू प्लस क्यों लास्ट में ये प्लस क्यू पी आर पी आर माइनस का पी आर प्लस का, इससे ये पी आर प्लस का आर माइनस का कट रहा क्यू आर, पी कट रहा है कहाँ पी, लास्ट में क्यू आर भी कट रहा है हाँ प्लस का क्यू आर और माइनस का क्यू आर, तो पी भी कट जाएगा कट पी गया से पी देख सब कट गया ना। अब यहाँ बच जाएगा जीरो, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर तो आ गया जीरो, इनटू में क्या चल रहा है डी, और फिर वो वैल्यू ए अपॉन में पी क्यू माइनस आर और प्लस बी अपॉन में क्यू आर माइनस में पी, फिर प्लस का सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। अब इसका इनटू होगा जीरो में, पूरे का जीरो बन जाएगा ये, है ना। तो ऊपर लिख दो इसको अब, ए हो गया था ये सबका यहाँ तक। चलो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, तो यहाँ तो आ गया जीरो, यहाँ क्या बच गया ए अपॉन पी क्यू माइनस में आर, फिर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, फिर सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, बस यही हमें प्रूव करना था। चाहे तो इसको सही करके लिख लो, साइड चेंज कर लो ऐसे,
जैसे बुक में लिखा गया है, ठीक है, साइड चेंज कर रहा हूँ खाली। देखो ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, ठीक है, चलो कर लो इसको, बिल्कुल सही से कर लो इसको, इतना सारी खिचड़ी थी सवाल में। अब सभी बच्चे आगे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आकाश हो गया, चलो लाओ जरा क्वेश्चन दिखाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट के लिए, आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी, ठीक है, सुन लो पहले जरा। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात m स्क्वायर रेशियो अनुपात n स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1 है, ठीक है। तो मान लो, मानने की भी जरूरत नहीं है, इतना फालतू लपड़ा क्यों करना है ना, सीधा काम करो अपना। दिया है गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम m तथा n पदों का योगफल का अनुपात, m पदों का योगफल क्या होगा sm, और अनुपात का मतलब बटे sn, m स्क्वायर, m पदों का योगफल m स्क्वायर है, n पदों का योगफल n स्क्वायर है, ये हमें दे रखा है। तो सिद्ध कीजिए कि हमें सिद्ध करना है, दर्शाना का मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सो डेट, सिद्ध कीजिए कि mवे तथा nवे पदों का अनुपात, mवे पद यानी am और nवे पद यानी an का अनुपात यानी बटे 2m माइनस 1 होगा और 2n माइनस 1 होगा, इसको प्रूव करना है हमें, ठीक है, पकड़ लो इसको। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मान लो चाहिए समीकरण एक, क्या मान लो समीकरण नंबर एक, अब देखो समीकरण एक से लिख लो, SM यानी mवे पद का अनुपात योगफल और nवे पद का जो अनुपात है योगफल का वो दे रखा है m स्क्वायर इंटू में n स्क्वायर, ठीक है। SM का मतलब है m बाई टू, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, अपॉन nवे पद का मतलब क्या है, nवे पद का योगफल n बाई टू, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। आप पहले यहाँ पे ध्यान दो, देखिए n से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ और m से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा बताओ, ठीक है, स्क्वायर कट गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मैं सीधे यहाँ से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ सीधा अगले स्टेप में ऊपर, तो जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ केवल a बच जाएगा और यहाँ 2 नहीं था तो 2 का डिवाइड m माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू में d,
सेम में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से टू कॉमन निकाल रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर से। तो जब यहाँ से टू कॉमन आएगा तो यहाँ से ये टू बाहर निकल जाएगा, यहाँ तो ए बच जाएगा, लेकिन यहाँ टू नहीं था तो यहाँ टू का डिवाइड हो जाएगा नीचे, ठीक है। इनटू करके देख लो अंदर, वही मिल जाएगा फिर ऊपर वाला जो यहाँ पे था, है ना। तो यहाँ बच गया 1m और 1n, ऊपर बच गया 1m 1n नीचे ऐसे। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, a प्लस में m माइनस में 1 इंटू में d, और यहाँ पे a प्लस में n माइनस में 1 इंटू 1 अपॉन 2 और इंटू d m माइनस में n, ठीक है। अब देखो जरा मेन काम यहाँ से है, देखो यहाँ से समझना है तुम्हें जो भी करना है, वही देख लो। पहली बात ये है कि m की वैल्यू जो लानी हो ना यहाँ पर 2m माइनस 1, वो यहाँ पे पुट कर लो फॉर्मूले में। पहली बात बता रहा हूँ कि m वे पद में जो वैल्यू यहाँ आ रही ना, उसको मान लो m की वैल्यू है पूरी ये, और जो n वे पद में जो वैल्यू यहाँ दे रखी ना सिद्ध करने में, वो 2n माइनस 1 है, उसको n की वैल्यू मान लो, यानी n की वैल्यू रख दो ये वाली और m की रख दो ये वाली, ठीक है। कैसे निकाली मैंने ये वैल्यू देख लो पहले। देखो भाई m वे पद का सूत्र क्या होता है पहले देख लो, यहाँ पे थोड़ा रफ समझ लो, उसके बाद फिर होगा, ठीक है। कि m की वैल्यू में ये क्यों रखूँ, है ना, ये बात तुम सोच रहे होंगे। देखो हमें मालूम है कि m वे पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस में m माइनस में 1 इंटू में d होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है m वे पद का योगफल का सूत्र क्या है, ये रहा ऊपर वाला। देखो यहाँ d के इंटू में क्या आ रहा है m माइनस 1, और यहाँ क्या आ रहा है m माइनस 1 अपॉन 2, इसकी आपस में तुलना कर दो इसकी और इसकी, तो क्या होगा m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू m माइनस 1, ठीक है। इस लंबर की इस लंबर से तुलना कर दी। अब देखो यहाँ से m माइनस 1 m की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, m देखो इसका मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो यहाँ पे, 2m माइनस में 2 m इज इक्वल टू 2m माइनस 2 माइनस के बन जाएगा उधर प्लस 1, तो m की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2m माइनस 1 देखो, ठीक है। m की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी सीधा, जो यहाँ दे रखी वही रख दो सीधा यहाँ पर, और n की वैल्यू सीधा ये रख दो चाहिए, n की वैल्यू सेम निकलेगी यहाँ से कैसे देखो, उसको भी दिखा देता हूँ मैं। m की वैल्यू क्या रखनी है हमें, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। अब n की वैल्यू चाहे सीधा रख दो यहाँ से देख करके, और चाहे तो तुलना करके निकाल दो, देखो आंसर वही आएगा। अगर n वे पद का सूत्र होगा तो a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है ना। देखो यहाँ पे इसकी तुलना कर दो n वाले से, तो n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से n की वैल्यू निकाल दो, तो n माइनस 1 इसका मल्टीप्लाई 2n माइनस 2 n इज इक्वल टू 2n माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 1, n की वैल्यू क्या निकल जाएगी 2n माइनस में 1, ठीक है। n की वैल्यू ना ये पुट कर लो यहाँ पर, और m की वैल्यू ये वाली पुट कर लो सीधा यहाँ पर चाहिए। तो ये नहीं करना तुम्हें वहाँ पे इतना फालतू काम, तुम्हें यहाँ की बात क्या करना है सीधा तुम्हें करना है पुट m बराबर तो रखना है सीधा यहाँ पर 2m माइनस 1, और n बराबर रखना है तुम्हें 2n माइनस 1 इतना रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पर रखने के बाद हमें ये मिल जाएगा पूरा रिजल्ट पूरा बाद में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जहाँ a है वो सेम रहेगा, m की वैल्यू रख दो ये वाली 2m माइनस 1 जहाँ पे m है, तो 2m माइनस 1 और ये माइनस 1 पहले से चल रहा है अपॉन में 2, और अपॉन में देखो a n की वैल्यू रख दो यहाँ से 2n माइनस में 1, और माइनस 1 पहले से चल रहा था अपॉन में 2, और इक्वल में क्या चल रहा है देखो m की वैल्यू यहाँ भी रखनी पड़ेगी
एम की वैल्यू क्या रखनी है, 2m-1, और एन की वैल्यू 2n-1। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया सबका, बिल्कुल क्लियर। लिख लो पहले, लिख लो, लिख लो पहले। चलो देखें, यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ देख लीजिएगा। देखो, हमें सिद्ध करना है ये लास्ट में, ठीक है। हमारा काम है कि mv पद और nv पद का अनुपात ये आएगा, ये लाना है, इसीलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे, बाकी को रब कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, a तो सेम रहेगा इधर, प्लस 2m चल रहा है ऊपर, माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 अपॉन में 2 और इनटू में d और नीचे a, इधर 2n माइनस का 2 अपॉन में 2 और इनटू d, इक्वल में क्या चल रहा, 2m-1 अपॉन 2n-1 जी, ठीक है। ऊपर से 2 लो कॉमन, यहाँ पे m-1 बच जाएगा अपॉन में 2 और इनटू में d, a प्लस यहाँ से 2 कॉमन, n-1 अपॉन में 2 इनटू में d, ठीक है। 2m-1 2n-1। अब ध्यान दो इधर, इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ बच गया a प्लस में m-1 इंटू डी, यहाँ बच गया a प्लस n-1 इंटू में डी, इक्वल में क्या चल रहा है, 2m-1 2n-1, ठीक है। अब ये सूत्र किसका होता है, a प्लस m-1 इंटू डी, am का, mv पद का, ठीक है। ये सूत्र किसका है, mv पद का है ना, तो लिख दो यहाँ पे am अपॉन में, और ये nv पद का an, और 2m-1 2n-1। देखो ये हमें सिद्ध करना था, है ना, और चाहिए तो इसको थोड़ा अच्छे रूप में लिख दो, am रेशियो an इक्वल टू 2m-1 अनुपात, अनुपात का चिन्ह 2n-1, ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। इसको नोट कर लो बिल्कुल सही से। तो